आदरणीय श्रोता नमस्कार, आपके हार्दिक स्वागत है रेडियो कार्यक्रम सवाल सरोकार में। कार्यक्रम के साथ में हम हन सोना कार्यक्रम सवाल सरोकार सामुदायिक रेडियो कपिलवस्तु 104.2 मेगाहर्ज से प्रसारण हुए वाला रेडियो कार्यक्रम है। कार्यक्रम सवाल सरोकार विपन्न तथा सीमांतकृत समुदाय के न्याय और सुरक्षा में पहुंच कैसे कराए सका जाता है, यही विषय में छलफल करे वाला कार्यक्रम है। जौने अंतर्गत यूकेएड के सहयोग में सर्च फॉर कॉमन ग्राउंड और सामुदायिक रेडियो कपिल वस्तु के सहकार्य में तैयार कई गवा है। आज हमारे कार्यक्रम में खास के पीड़ित के हक में मुल्की फौजदारी कार्यविधि संहिता एन 2074 के बारे में रहकर छलफल करा जाए। अब यह भदौ 1 गते से जौन लागू भा है मुल्की फौजदारी कार्यविधि संहिता एन 2074, ओमन कौन चीज फरक आ है पहले को अब में फरक का है, पहले से ज्यादा पीड़ित के हक में वे कोने में राय की व्यवस्था करे है और सहजता का है, यही विषय में रह के आज हमें छलफल करा जाए। यह विषय में हमन सभी छलफल करे की खातिर है जिला बार एसोसिएशन कपिल वस्तु के अध्यक्ष तथा अधिवक्ता नूर मोहम्मद, वही किस्म से हमन संघनी है बुद्ध भूमि नगर पालिका वार्ड नंबर 9 के वड़ा सदस्य तथा लंबा समय से भी अदालत तक के द्वार तक भी पहुंच के अपन अनुभव बतोरल, अदालत तक पहुंचे के बाद के अनुभव कौन में रह के रहा के हम उनके महिला सदस्य हिन वार्ड नंबर 9 के महिला सदस्य जलमाया सुनार, वही किस्म से हमन संगी सेवक राहीन सनुवर जी, आप तीनों जने के रेडियो कार्यक्रम सवाल सरोकार में स्वागत है। नाम मत फरक पड़े छैन हजुरले अवधि बोल्न कस्तो हुन्छ आउँछ त्यसो भए अवधिमै रेकर्ड गरौँ न सर। त हाम्रो सबसे पहिले हाम्रो हाम्रो हमरे पहले जलमाया जी से ही हमरे शुरुआत करा जाए। जलमाया जी, आप तो लंबा समय से भी अदालत तक भी पहुंचा गया है, कबो और लोग की घटना में तो कबो अपनी ही घटना लेके भी पहुंचा गए। आप ऐसे भदौ 1 गते से पहले जब अदालत आओगे नहीं, वो अनुभव कैसन रहा, कैसन भाया आपके अनुभव? हमारा अनुभव में तो केही छैन, नेपाली बोल्न छ भने नेपाली नै बोल्नु, त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्छ भने मेरो अनुभवमा त अब जस्तो भदौ 1 गतेबाट अब नयाँ कानुन चाहिँ फेरेपछि जसमा मलाई राम्रै लाग्यो होइन, मलाई अब अदालत आएँ, म आफ्नै बारीबाट बोल्छु। अब मेरो घरले फेरि केस भयो, चोरी भयो, पोहोर भदौ असोज 2 गते मेरो घरमा चोरी परेको हो। भदौ असोज 2 गते चोरी पऱ्यो, लगभग मैले तपाईँको 45 दिन मैले घरसे इलाका प्रहरीमै राखेँ, उहाँहरूले घरसे इलाका प्रहरीबाट मैले यहाँ कोइला प्रशासनमै पुऱ्याएँ, उहाँहरू लगभग 5-6 महिनासम्म बस्नुभयो, उहाँहरू मिटिङ भयो, मैले आफ्नो भोकपत्र गरेँ, भोकपत्र गरेपछि उहाँहरू मिटिङ भयो र म अदालत जाने। पहिला सुरु अदालतमा बस्दा त सुरुमा अदालत बस्दाखेरि त के हुने यो कस्तो हुने यो कस्तो बोल्ने हो त्यो ठाउँमा गएर होइन भन्ने डरै लाग्थ्यो। त्यसपछि मान्छेले एउटा पढाइको पनि एउटा कमजोरी हुन्छ, एउटा पढाइले एउटा बोलीले मान्छेले भने अब त्यसमा पनि पढाइमा पनि खासै कमजोरी त छैन र बोल्नलाई पनि त्यति कमजोरी पनि छैन र सुरुमै त अलि बसेर के बोल्ने होला कसले भन्ने होला भन्ने डरै लाग्थ्यो, कसले सोध्छ होला, कसले के भन्छ होला, उसले भनेको पर्सन मैले कसरी दिने होला भन्ने डर लाग्थ्यो। अब बसिसकेपछि त अब उहाँले बोलिसक्यो भने यस्तै त हुन्छ नि घर पुर्याएर जस्तो हुन्छ, बोलेपछि भन्ने लाग्यो। त्यसपछि मलाई अनुभव हुँदै गयो, अनुभव भएर भइसकेपछि र आफ्नो बारीमा भोगिसकेपछि र मैले जस्तो मेरो बारीमा भोगेँ अरू महिलाहरूको पनि यही समस्या होला है भनेर मैले त्यसपछि म बोल्न पनि खोजी घटेन होइन, अनुभव सबै भयो मलाई। त्यसपछि म अदालत जाने आउने, त्यसपछि म काठमाडौँसम्म पनि पुगेँ हेर्नुहोस्,
यस्तै केसहरूमा खाटोमा पनि पुगेँ, म एउटा शारीरिक क्रममा पनि पुगेँ, आफ्नै बहिरीको केसमा पनि पुगेँ। हेर्नुहोस् आफूलाई अनुभव भइसकेपछि लै बल्ला म अरूको लागि पनि गएँ कि, गएर पनि त्यहाँ पनि आएँ, त्यो केसहरू मिलाएँ र मलाई पुरै अनुभव भइसक्यो र मलाई फेरि एउटा के लाग्यो भने हेर्नुहोस् कतिको सजिलो छ यो न्याय माग्नलाई। न्याय माग्न त अब न्याय त अब आमालाई म बच्चै हो र त म रोएँ भने त बल्ला आमालाई दुध खिलाउने हो, भोक लाग्यो दुध खिलाउने भनिन्छ नि त। आफूलाई भोक लागेको छैन भने त रोइए छैन भने त आमालाई त कसरी दुध खिलाउनु थाहै चाहिँ हुन नि, बल्ला उसले भोक बच्चाको भोक हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ नि। त्यस कारणले मलाई हामी त अब उहाँसँग जाने हो, रुनी हो होला, आफ्नो समस्या उहाँलाई बताउने हो, मलाई यस्तो यस्तो गर्न पीडित भएँ, मैले कसरी न्याय पाउने, यसको उदाहरण कसरी मैले पाउने भनेर उहाँलाई बताइसकेपछि बल्ला त हामीलाई उहाँहरूले दिने हो भनेपछि मलाई जहाँसम्म ठिक लाग्यो, मलाई न्याय लडेर पनि मैले न्याय पाएँ होइन। एकचोटि यो भन्दा पनि तपाईँको एक वर्षभन्दा अगाडि पनि म एउटा घरको म अंशबन्दी मुद्दा सम्बन्धीमै म लडेको हेर्नुहोस्, आफ्नै अंशमा लडेको हेर्नुहोस्, म जेठाजुसँग लडेँ, मेरो श्रीमान बितिसकेपछि मैले घरमा पनि अंशको लागि धेरै कुराहरू राखेँ, उहाँहरूले मलाई सुन्नु भएन, केही पनि सुन्नु भएन, मेरो सुनाइ चाहिँ भएन। त्यसपछि गाउँका भलाद्मीहरू राखेँ, उहाँहरूले पनि भएन, उहाँहरूले त्यो सुन्नु भएन। नसुन्दाखेरि मैले अब आफ्नो बच्चाको लागि पनि त मैले केही गर्नु पऱ्यो नि, अब दुईवटा बच्चा छ होइन, त्यो बच्चाहरूलाई पनि मैले कहाँ राखिने, अब श्रीमान हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कमाउनु हुन्थ्यो र पो, र आफूलाई त्यो जिम्मेवारी ममाथि थिएन, अब उहाँलाई अब त्यो जिम्मेवार त सबै ममाथि आयो, र त्यो बच्चाहरूलाई त ठाउँ त राख्नु पऱ्यो। त्यसको लागि म उहाँलाई कतिपटक मैले भने, कतिपटक भने सुन्दै सुन्नु भने केही कुरा उहाँले सुनाइ गर्नु भएन। नसुन्दै गर्दाखेरि मैले त्यसपछि के भन्यो भने मलाई तपाईँले लालपट्टा देखाउनुहोस् भने मैले किन लालपट्टा देखाउने भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि मैले के भने तपाईँले अगर यति लालपुट्टै मलाई देखाउनु न भने मैले यस मेरो यो सम्पत्तिमा मैले आफ्नो पाउने अधिकार छ र लड्ने अधिकार छ भने मैले पाउँछु, होइन भने मैले त्यसपछि म कहिले पनि म सम्पत्ति ल्याउनुहोस् भन्दा म आउन्न भने त्यो भनिसकेपछि मैले तपाईँलाई उहाँले त्यो लालपट्टा मलाई देखाउनु भयो, मैले म आफैमा चलाक खेलेँ, म आफैमा चला खेलेर मैले मेरो मोबाइलबाट लालपट्टाको मैले फोटो मैले फोटो खिचेँ, चलाकी त अब आफूले त लिनु पर्यो, केही न केही त गर्नै पर्यो, मैले त्यो लालपट्टाको फोटोकपी खिचेँ। त्यसपछि मैले म अब कहिले पनि यो सम्पत्तिको लागि मैले हकदार गरेर म लड्दिनँ भने, त्यसपछि त्यो लिएर आइसकेपछि म मालपोतमा गएँ, मालपोत कार्यालयमा गएपछि फलानाको नामको जग्गामा कति छ भने मैले खोजेँ, हेर्नुहोस् त्यहाँ हेर्दाखेरि मेरो जग्गा देखियो, यति जग्गा देखेपछि मैले त्यो जग्गालाई रोका गरेँ, रोका गरेर सिधै म आएँ तपाईँको फेरि उसमा आएँ, अदालतमा आएँ, अदालतमा आएर मैले फेरि मुद्दा हालिदिएँ, मुद्दा हालेर म लडाइ हेर्नुहोस्। त्यसपछि पनि त्यस म कति लडाइँ दुःख पाएँ हेर्नुहोस्, त्यसपछिमा मैले कुन वकिल छोप्ने होला, के गर्ने होला, मैले कसरी न्याय गर्ने होला भनेर त्यहाँको परासीको हुनुहुन्थ्यो, एउटा परासी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाम मैले सायद मलाई मनमा त आयो, मुखमै आएन कि आएन, हेर्नुहोस् उहाँले जस मेरो बारेमा राम्रै म्याडम तपाईँ पीडितै हो होइन, तपाईँ पीडित हुनुहुन्छ, पीडितले हामीले न्याय राम्रै गराउँछौँ, त्यसबारेमा तपाईँ केही नरुनुहोस्, रुनै पर्दैन भन्नुभयो, तर मलाई राम्रोसित उहाँले न्याय गर्नुभयो, मलाई न्यायाधीशले पनि मलाई चिठी लेखेर सुब्बाको हातमा पुऱ्याउनु भयो, हेर्नुहोस् सुब्बाको हातमा चिठी पुऱ्याइसकेपछि मैले सुब्बालाई देखाएँ, सुब्बालाई चिठी दिएपछि उहाँले अब मेरो नाममा गर्ने बेलामा अहिले तपाईँको नाममा हुन्न म्याडम, तपाईँले कार्तिकमा आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो, हेर्नुहोस् त्यो भनिसकेर मलाई धेरै उहाँले दुःख पनि दिनुभयो, त्यहाँको भएकोले सुब्बाले दिनुभयो, सुब्बाले अहिले हुन्न तपाईँको, अहिले तपाईँको नाममा हुन्न, तपाईँ रोका गरेर जानुहोस् भनेर भन्नुभयो मलाई। त्यही भनिसकेपछि अब मैले के गरेँ, अब मैले जग्गालाई रोकालाई पनि मैले फुका गरिसकेँ र त्यसपछि एउटा अब मैले फुका पनि गरेँ, अब मुद्दा पनि लिएँ, अब मेरो हातमा त केही पनि आएन, अब म के होला भनेर म डर भएँ, हेर्नुहोस् डर भइसकेपछि अब मैले त्यही अब अफिस बन्द हुने बेला भइसक्यो, हेर्नुहोस् त्यहाँको 5 बजीसक्यो अफिस बन्द हुने बेला भयो, एकजना लेखान्दा सानोमा मलाई के भन्नु, म्याडम तपाईँ अहिलेबाट घिनिराख्नु भएको छ, डरिराख्नु त त्यहीको लागि होला भनेर भन्नुभयो मलाई उहाँले, म यस्तो यस्तो हो हेर्नु भने उहाँले के भन्नुभयो भने मलाई त्यति बेलामा उहाँले दुःख दिनुभयो कि,
मलाई कस्तो लाग्यो भने तपाईँले पैसा खर्च गर्नुहोस् तपाईँको भर्खरै बन्छ कागज भनेर भन्नुभयो मलाई. त्यसपछि म त्यो कुरालाई म यत्रो मुद्दा त लडेँ भने म यतिलाई म पछि हट्दिनँ भन्नु मैले भने हेर्नुहोस् डराएन ठिक छ मैले पैसा खर्च गर्ने मैले अहिले भर्खर मेरो पूर्जाहरूमा पाउँछु भन्दाखेरि सबै मैले आफ्नो कागजपत्रमा भर्खरै पाउँछु पाउनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो उहाँले मलाई. त्यो भनिसकेपछि त्यो मलाई म पछि हटेन ठिक छ ल हुन्छ म दिन्छु भनेर भने अब त्यही सुब्बाले तपाईँलाई अहिले हुन्न तपाईँ कार्तिकमा आउनुहोस् रोका गरेर जानुहोस् भन्नुभयो उहाँले मलाई. मैले त्यो भनिसकेपछि अब मैले पैसा खर्च गरिसकेँ र पछि सुब्बाले साइन गरेर मलाई कागज दिने बेलामा कति हो खर्च भन्दाखेरि तपाईँको 20,000 भनेर भन्नुभयो. त्यो बेला मैले अदालतमा पुरा पैसा मैले खर्च गरिसकेँ हेर्नुहोस् अब त्यो त्यस बेलामा जाने बेला मसिन पैसा बचेन हेर्नुहोस् केही पैसै बचेन कि मलाई त्यो बेला पैसै बचेन. यति म आपत पाएँ कि एकजना मसित मेरो मुद्दामा गएको एकजना हाम्रो देवी बेलवासी भन्ने हुनुहुन्थ्यो बुद्धभूमि नम्बर 9 वार्डको तपाईँको जिल्ला पार्टी संयोजकको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो नेकपा एमालेको उहाँ हुनुहुन्थ्यो. उहाँले मलाई धेरै साथ दिनुभएको हो र उहाँ जानुभयो. उहाँले के भन्नुभयो भने मलाई तपाईँ यति भइसक्यो लामो अब के गर्ने भनेर भन्नु अङ्कल अब के गर्ने भने त्यसपछि मैले अब आफ्नो केही मेरो मलाई केही उपाय लागेन मैले आफूले लगाएर गएको जित्यो म यही राखेर भए पनि मैले के गर्छु भनेर भने त्यसपछि एकजना त्यही काउसीदेखि एकजना सर भेट्नुभयो. मैले सर यस्तो यस्तो भयो भनेर भने ठिक छ भन्नुभयो. मैले एउटा चेक दिनुभयो उहाँले काटेर दिइसकेकोले मलाई त्यो त्यति कहाँ हामी यति जानेलाई त उहाँहरूले यति दुःख दिनुहुन्छ भने नजानेको पीडित महिलाहरूलाई कति दुःख दि के दुःख दिनुहुन्छ किन यो हामी जस्तो न्यायिक सम्मान गइयो भने त्यो न्यायिक हामी किन नपाउने. अब न्यायिक त्यही हो नि त्यो पनि एउटा हामी न्याय सम्बन्धी अब अदालतबाट भइसकेर त्यहाँसम्म गइसकेर सुब्बाजीले अब त्यो बेलामा हामीलाई अब कि पहिल्यै पैसा खर्च हुनु गर्नुपर्छ भन्न पर्ने नि गर्नपर्छ भन्न पर्ने अन्तिम भइसकेपछि उहाँले कार्तिकमा आउनुहोस् भन्नुभयो. जब पैसा खर्च गरेर गइसकेपछि उहाँले किन फेरि सिग्नेचर गर्नुभयो र मलाई सिग्नेचर गरेर मलाई त्यस बेलामा भलो पत्र दिनुभयो हेर्नुहोस् होइन. त्यो बेलामा मलाई मलाई रिस पनि उठ्यो ओहो यति जानेको महिलालाई तपाईँले अनजान नजानेको गराउनुहुन्छ भने अरू म जस्तै पीडित महिला केही नजानेको क नपढेको महिलालाई कसरी तपाईँले के भनेर त्यो बेलामा पठाउनुहुन्छ तिनी महिला कहाँबाट आएको हुन्छ तिनीले कस्तो समस्या परिन्छ घरमा कति झेलेका हुन्छन् है श्रीमानबाट घरबाट उनीहरूले साह्रोबाट त दबाब पाएको हुन्छ नि. अब त्यो महिलाहरूले अब त्यहाँसम्म गएर आफ्नो अब पाउने बेलामा उहाँहरूले त्यस्तै रोकिदिनुहुन्छ भने म जस्तोलाई त त्यहाँसम्म गराउनु भयो भने अरूलाई के सामान गराउनु होला भनेर हेर्नुहोस् म त्यो म कुर्सीमा बसेँ है कुर्सीमा बसेर यो सुब्बालाई त मैले अब यही कुर्सीबाट यसलाई तानेर बाहिर निकाल्छु त्यही फिल्डमा म निकाल्छु भनेर म उठेँ. तर मलाई हाम्रो उहाँ देवीजीले भन्नुभयो भन्नुभयो होइन छोडिदेऊ भनेर मलाई भन्नुभयो. त्यसपछि म पछि हटेँ र मलाई बल्ल मलाई अनुभव भयो र म गएँ स्थानीय चुनावमा पनि मलाई उठ्नुलाई पनि मलाई थिएन. तर म जस्तो अब महिलाहरू धेरै छन् तर मैले के सोचेँ भने ठिक छ म आफूमा यति मैले भोगेँ भने अरू दिदी बहिनी पनि त महिलाहरू पनि कति भोग्नु भयो होला भनेर म त्यसबारेमा बल्ल म यो चुनावमा स्थानीय चुनावमा उठेँ हेर्नुहोस् उठेर पनि उहाँ म स्थानीय चुनावबाट पनि म निर्वाचन भएँ हेर्नुहोस् निर्वाचन भए त्यहाँको महिलाहरूले पनि मलाई धेरै खुसी गराउनु भयो उहाँहरूको खुसीको लागिलाई पनि म धेरै अब तपाईँको मैले उहाँहरूलाई रातिमा पनि महिलाहरू कुनै महिला होस् पुरुष होस् है म उठिसके नि मैले या महिला पुरुष मैले भन्नै मिल्दैन मैले दुवै पक्षलाई मैले गर्नुपर्छ. त्यसरी म आफूको अनुभव गरेछु भइसकेपछि उहाँहरूको लागि पनि अब उहाँले त्यस कारणले त्यो अदालतभित्र पस्दाखेरि कसरी बोल्नुपर्ने इच्छा र कुनलाई छोपेर कस्तो काम गर्नुपर्ने इच्छा अनि मलाई पुरा अनुभव भयो. त्यसपछि फेरि मेरो एउटा टोलियामा एउटा केस छ हेर्नुहोस् यही अहिले मेरो असोच यही अहिले कार्तिकको 24 मेरो पेसी थियो हेर्नुहोस् म हिजो आएँ पेसीमा मेरो पेसी छोडेन अब तपाईँको मङ्सिर 11 मलाई पेसी हुने भन्नुभयो र फसला हुन्छ भन्नुभयो न्यायाधीश हुनुहुन्थेन र म घर गएँ हिजो र मलाई कस्तो लाग्छ भने मलाई यहाँसम्म बोल्ने मैले मौका पनि पाएँ र आउने उहाँहरूलाई पनि महिलाहरूलाई पनि यतिले म अनुभव भइसकेपछि उहाँहरूको लागि पनि मैले केही गर्छु कि भनेर म उठेँ होइन अहिलेसम्म जहाँसम्म पनि गरेँ जस्तै लाग्छ मलाई उहाँहरूले पनि अगाडि मलाई अगाडि चाहिँ बढाउनु भएको छ केही कुरामा पनि
जलमायाजी यो जुन सुब्बा भन्नुभयो नि उहाँ अदालतकै सुब्बा हुनुहुन्थ्यो अदालतमै या मालपोत कार्यालयमा ए मालपोत कार्यालयको सुब्बाले चाहिँ मालपोत कार्यालयको सुब्बाले मलाई त्यस्तो गर्नुभयो मालपोत कार्यालयमा त्यो त जब लेखनदारलाई 20,000 दिनुभयो त्यसपछि त्यो सिग्नेचर गरेर दिनुभयो जस काम चाहिँ अदालतसँग सम्बन्धित भएकै थियो अदालतबाट त मैले त म त अदालत हेर्नुहोस् उहाँ न्यायाधीशसँग पनि म पहिले एक दिन गएर म भेट भएको हेर्नुहोस् न्यायाधीशले पनि मलाई राम्रो सल्लाह सुझाव दिनुभएको हो किन मैले भनेको हेर्नुहोस् मैले कसरी न्याय पाएँ म न्यायको लागि म यहाँसम्म आएको हेर्नुहोस् मेरो श्रीमान हुनुहुन्न मैले 2-2 बच्चा छन् मैले कहाँ राखौँ आज मैले जुन कम्पनीमा काम गर्नुभएको थियो उहाँ मलाई थाहै स्थितिमा राखेन मलाई अस्थिमा राखेँ दिनको 2-250 रुपियाँ मैले खाएर मैले यिनी बच्चाहरूलाई कसरी पढाउने के गर्ने घरमा पनि मैले अंश केही पाएन म माइतमा कति दिनसम्म बस्ने भने मैले न्यायाधीशलाई घरमा रोएपछि उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो पनि एउटा दिदी हुनुहुन्थ्यो माइतमा बस्नुभएको हो मा घरको नुन भात खानु ठिक छ माइतीको घिउ भात खानलाई अलि केही लाग्छ हेर्नुहोस् किनकि मेरो एउटा दिदीलाई पनि मैले माइतमा मेरो राखेको हो हेर्नुहोस् त्यस्तै तपाईँ जस्तै फ्री घर मैले माइतमा राखेँ एउटा सिमीको झाल लगाउँदाखेरि बाख्राले गएर खाँदाखेरि उहाँलाई अब हामी घरैमा केही ठकफुल हुँदा पनि माइत बसेर चेली बस्दाखेरि हामी घरैमा पनि केही नराम्रो फेरफुल हुँदो भने उहाँमाथि त्यस्तो जान्छ यो कुरा म झेलेछु तपाईँले यो बारेमा केही चिन्ता मान्नु पर्दैन भनेर भन्नुभयो मलाई न्यायाधीशले तपाईँले राम्रो राम्रो व्यवहार पाएँ म अदालतबाट म राम्रो व्यवहार पाएँ होइन जब मेरो नाममा उहाँ गर्ने बेलामा मलाई त्यतिकै सुभाजीले अहिले हुन्न तपाईँको भनेर भन्नुभयो एकजना लेखन जस्तो पैसा खर्च हुन्छ गर्नुपर्छ तपाईँले पाउनुहुन्छ यसको बारेमा तपाईँ कहीँ कम्प्लेन गर्नु भएन म यसको बारेमा कहीँ कम्प्लेन गरिनँ त्यसको मैले केही कम्प्लेन गरेन हामीसँग जिल्ला बार एसोसिएसनका अध्यक्षजी पनि हुनुहुन्छ अध्यक्षजी हामी जलमायाजीको कुरा सुन्नुभयो नि त हामी शनिवार सिंहजीसँग हामी पछि आउनेछौँ उहाँको कुरा सुन्नुभयो शनिवारजीको कुरा पनि सुनौँ सुनेपछि शनिवारजी आफै अदालत नै गयो होइन कि जलमायाजीकै पनि बात सुनाए कुछ बुझाएर हुँ कि नै ओन्ली आफैकै जैसे अदालतमा यहाँ लम्बो समय तक भि गइन् कि नै न्याय मागेकी खातिन अब आफै अदालत गयो होइन आफै अनुभव कैसन भयो अदालत तक जब गयो त कहीँ न त्यही आफ अदालत गयो अदालत कुन समस्या रह आफके मैले कहेक न त्यही के फैसला खती आप गए समस्या कहाँ रह आपके समस्या ये रहा कि हमको ये नहीं रखा जाएगा कह रहे हैं आपके परिवार तो हम हिस्सा लेना चाहते थे तो उसमें कह रहे हैं कि नहीं देंगे आपके लड़के कई जन कई फूल हैं आपके लड़के भी हैं अर्थन जो लड़के भी हैं आपके लड़के हैं बेटो की बिटिया बेटी हो अनि वन सब कहीँ न त्यही कहाँ थियो कि नै रख जाए कुन कारण देखाउले हुन्छ अपने भाभी को राखे ए मेरा के दूसरे से नाजायज संबंध रहे नाते से ओकरे बाद में यहाँ आप कहीं नहीं रख पे मेरा के व्यवहार कर रहे कितना साल हो गए बैसाख आए के 3 साल हो जाए मेरी शादी बैसाख आए 3 साल शादी भाई हुई है अदालत कितना साल हो गए आपकी बिटिया साल भर तो हो गया कितना कितना खर्च भाई लगा खर्च लगा ला अदालत जाग बन भाई अब बार देते हैं खर्चा उधर से नहीं मिलता आपके जो नई हर पद से सहयोग कर रहे हैं ना कहीं नहीं आप अदालत आओगे हमारे पिताजी आते हैं आप नै आउँदा पहिला दाइ आप आवाग हो नि त पहिला दाइ जब आप अदालत आवागे कोने मेराइके लागत रहा अदालत में नै आवाग हर डर तो लगते है पहले कौन ची पूछिए का करिए का बोला कहके ना ये मेराइके डर लागला मेन कारण का हो कि आप कहिया ना आप आपके घर परिवार नै राखा कहके मैले घर से निकाल दिन बैला दिन कि अथवा
शारीरिक सजा भी दे लेने से मारे पीटे दरिया वाला। उनको जहर खिला के मारने की कोशिश किए थे उनके भाभी भाई अपना। आप कहिए जहर खिला भी कोशिश तुम्हारे पिताजी वहाँ से जब देखे कि दवा ले गए कराने सरकारी में वहाँ से बूटा ले गए थे एक साल एक महीने तक फिर भी लोग नहीं आए देखने तुम्हारे पिताजी ने मुद्दा छोड़ दिया। अबे आपके मुद्दा का वो थे क्योंकि कुछ मालूम है आपके? नहीं मुझे नहीं। आपके पापा जी के मालूम है साल भर हुई है आपके मुद्दा लड़त मुकदमा लड़त साल भर हुई है साल तो हो गया आपके दिमाग का है चाहत का है आपके जैसे आपके परिवार आप कहीं ले जाके रखे या आप कहीं आपके चाहल बमोजिम अथवा हक बमोजिम ही सहसियता है। हमारी चाहत यही है कि हिस्सा ले दे हम उधर ही रहेंगे। आप अपन हिस्सा लेके अपनी बिटिया के लेके रहा देंगे। आदर्श जी सनुवर जी के भी बात सुना गए नहीं कि अब उनके शादी भाई भी 3 साल हो गए कि नहीं उसके बाद में यहाँ तक कि जहर खवाए के भी मारे भी कोशिश की है नहीं ऐसा ऐसा महिला तमाम जने पूरे थे। 2 जने के भी बात आप सुना गए एक जने उतना पढ़ लिख के होशियार भी उतना दुख पाए उनके नहीं और सनुवर जी के तो सनुवर जी आप पढ़ा लिखा रहे पांच कक्षा तक पढ़ा गए कि नहीं और ये हिम्मत कैसे आए कि हम अदालत तक ले हिस्सा हसिया मांगे जाप न्याय मांगे जाप कहके छुपाए के घर में रह भी सका जात रहा गए ना कितना जने घर में ही छुपाए के रहा लाए नहीं लेकिन आप तो अदालत तक आओगे कहे ना ते मायके में कई दिन निकले नहर में तो जिंदगी नहीं कटी नहीं था जिंदगी काटे रहा तो सदिये नहीं करा जात नहीं हुई कि नहीं। अब 2 जने के बात सुना है नहीं आप नहीं आप विचार पहले में सुना है आपका कहा है जैसे लिखनदार से भी समस्या पाए हैं परिवार से भी समस्या पाए हैं नहीं आप पहले विचार आपके सुना है हमने। पारिवारिक रूप में सामाजिक रूप में थोड़ा पढ़ाई लिखाई के स्तर के हिसाब से थोड़ा अच्छा स्तर का है और एक जो है थोड़ा कम पढ़े का अथवा जो है उस हिसाब समाज के 2 प्रकार के महिला के बात सुनने मिला। सबसे पहले हम जलमाया जी का बहुत धन्यवाद दे चाहे थे उनके बहादुरी के लिए साहस के लिए कि जो किस्म से उनके पारिवारिक समस्या रहा पारिवारिक उत्पीड़न रहा इनके प्रति एकरे खिलाफ में अपन आवाज खाली ना उठाए कर तब निकाय में आपके प्रहरीम भी गई अदालत भी गई अपन न्याय पाए वाला जगह जहाँ जा रहा तहाँ तहाँ प्रयास की न्याय भी अदालत से पाई। दुखद पक्ष है कम से कम मालपोत कार्यालय हम जिससे पहले भी जानना चाहते हैं कि हकीकत में हमारे अदालत का सुबह हो तो इतना तो हिम्मत तो नहीं अदालत का सुबह के राहत है तो हम कर कम राहत है मालपोत कार्यालय में अदालत आपका इंसाफ दीस फैसला किस फैसला अनुसार कानून के पार्टों का भी आपके यहाँ से तहसील फाट से हो गए माल में जाए के बाद में लाल पुर्जा प्राप्त करे टाइम पे भी अगर 20,000 का ऑफर आवत है अथवा हम 3 महीना बाद ही काम कर जो कि हमारे कानून के बनोट का है मिला पत्र हुए से अथवा बंडा छुट्टी आवे के 15 दिन के तो टाइम मिलत है बंडा छुट्टी आवे के बाद में भी आपके तामिली जाए के उसके बाद चलन पुर्जी मिलत है चलन पुर्जी पाग पे तत्काल अदालत तुरंत चिट्ठी काटी मालपोत कार्यालय में मिलापत अथवा बंडा के अनुसार के लाल पुर्जा बना दी गए वहाँ कौन दस्तू नहीं लागत सरकारी कौन दस्तू सरकारी दस्तू बिल्कुल नहीं खैर निवेदन के दस्तूर जो आपके 10 रुपया लागत है वो दस्तूर बाहर और आपके कोनो दस्तूर माना लागत है कानून से वो दस्तूर जहाँ कोनो दस्तूर न लगे वाले जगह पे भी 20,000 के ऑफर करो और नहीं जब तो एक बाद में जो न 3 महीना बैठब आओ कहके बहुत बड़ा दुखद पक्ष भी हुआ एका जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से संबंधित निकाय के ध्यान आकर्षण हुए कि वह निकाय में यह स्तर के अगर कर्मचारी हैं जो जलमाया जैसन पढ़ा लिखा के व्यक्ति के संग यह किस्म के व्यवहार जब करी हैं
तो साधारण व्यक्ति के संगे कितना सनोवर जैसन व्यक्ति के संगे जो बेचारे के अभी तक यहाँ हमको बोले के लिए भी कितना कठिन महसूस होता है। हमको जो खास दो चार लोगों के बीच में ये स्थिति है जो अदालत में जाकर प्रहरी में जाकर और माल में जाकर ऐसे व्यक्ति के संगे कौन व्यवहार करिए क्योंकि ऐसे हमारे सहजे अनुमान कैसे रहता है। एक नाते हम यहाँ से अभी अनुरोध करब एक संस्था के अध्यक्ष के हिस्से से भी एक आग्रह करब समझ निकाय के कि कम से कम हमको जो कार्यालय के आपके शेड्यूल लिखा है कार्यालय के प्रत्येक कार्यालय के आगे हमने कौन कितना दस्तूर लागी के लिए लिखा है ठीक है चार्ट बना है। एक हुए बावजूद भी जो ना है आज ना आई बिहान तीन महीना चार महीना इतना देर ये करत जो ना है अगर कर तो तत्काल के लिए जो कार्रवाई हो जाएगा। अब थोड़ा सा हमको भी कमजोरी का हमने जलमा के थोड़ा सा हम का ध्यान अन्यथा नहीं ले जाए जैसे वो कह रहे हैं हालांकि जो भी समस्या पहले पान काम पहले हमारा कमा हो जाए ओकरे बाद हम कर के भी सोचा तो आज हम कुछ कही दी या हमारे कमाई ने गड़बड़ा जाए हो सकता यह नाते ना ही कुछ किए हुए नहीं तो जो निशान बहादुरी उनके अब इन बात के साथ लाग उनके अब तत्काल के बात इलाक की उनके साहस के जो ने कदर करा जाता है जो सम्मान करे का अवस्था है ये बेकार के व्यक्ति के वह टाइम पे थोड़ा सा ये है जिनके फीलिंग हमें लाते भाई कहूँ अगर हम जाके हल्ला कही दे तो हमारे कमाओ न गड़बड़ा जाए ये हर महिला हर व्यक्ति में डर है का जे भी होगा ऐसा व्यक्ति में वो डर के नाते ना किए लेकिन जबकि तत्काल अगर जो है का है कि उजरी करे के हम उनके आपके मान लो सुबह की रहा सुबह से ऊपर के भी जे मेरा के जैसे सुबह की अथवा क्यों लिखनदार क्यों की तो ओकरे ऊपर के हाकिम के ऊपर जाए थे उजरी के जैसे मान लो सुबह के स्तर के जो बात की इसकी दो तीन महीना बाद हुई हमारे काम में बाहर कहे थे बाहर चार्ट लाग है कि वहां कोनो दस्तूर नहीं लागी और ये तुरंत काम हो वाला चीज हुए तीन महीना कहे लागी ये हम ऐसा ऊपर शिकायत करने वाला जगह भी है का आपके वहाँ के मालपोत के हाकिम करके जाके उजरी देखते हैं। अगर मालपोत के हाकिम भी अगर नजरअंदाज करते ना ही सुनना चाहते अथवा जो ना उनके भी अथवा नियत ना अगर सही लागत है तो हाल ऐसा तो ना ही होते लेकिन अगर ऐसा पावत है एक ऊपर भी निकाह है आपके डायरेक्ट जिला प्रशासन काले काले प्रमुख के भी उजरी कैसे जाते हैं तो ये चीज हमने कहा है कि उजरी करे भी चाहेगा जराज नहीं चाहिए आपके काम जैसे अदालत जब कई दिस फैसला बंडा छुट्टिया दिस तो ओका जो है जैसे भी उन्हें करे है अगर नायक करते तो बैग तो उनके ऊपर अदालत का मानहानि भी लग जाए ये भी पूछा जाए कि अदालत के फैसला बंडा हिसाब से लाल पूजा बना दो अदालत अगर पत्र पठावत है और नायक करत है आनाकानी करते मान लो ढीलो अगर करते हैं लेट भी करते हैं तो उनके संग अन्याय करते हैं ढीलो उन्हों अन्याय करू तो एक मतलब का अगर जितना लेट अगर तू करबो तो मतलब उनके संग अन्याय करते हो तो अगर तत्काल नहीं करो तब भी उनके ऊपर कार्रवाई लगी कानून लागत है अवहेलना भी लग गई तो ये हिसाब से भी जो ना है पहल कदमी भी जो भी श्रोता सुनते हैं अपने ध्यान ही रखा जाए कि अपने निकाय से हमने उनका अदालत में आएंगे अदालत में कोई काम कर रहे होते कोनो तल्लो तक कर्मचारी से अगर थोड़ा चित नहीं बुझते ओके ऊपर सहजदार के ऊपर सहजदार कहाँ ले जाए गुजरी दिया जाए सहजदार से अगर तुरा तहसीलदार के चित नहीं बुझते तो ऊपर न्यायाधीश से समझ जाए गुजरी दिया जाए न्यायाधीश से भी तुरंत अदालत न है तो ओकरे ऊपर भी निकाय है ठीक है मतलब हमारे उनके इस चीज के जानकारी रखे पड़ा और जो ना है कोनो कर्मचारी कोनो गलत तरीका से आपसे पैसा मांगे चाहता है तो तत्काल वह प्रकार पे संबंधित निकाय में तुरंत कहे छेगा आपके काम ना रुकी थोड़ा एक मन में डर रहते को हमारा कमाना बिगड़ जाए कमाना ही बिगड़ी और बल्कि जो है तुम्हारे प्रति और सचेत हो जी कबो पैसा नहीं मांगी और तुम्हारे कारण से और लोग भी न्याय पाए जी हैं तो ये हम जो है हर श्रोता का भी अनुरोध करे चाहे थे कि संबंधित जगह पे अगर जावा जाए कोनो ऐसा परेशानी आवत है तो पहले तो ये मन से बात कर जाए कि हमें तुम्हारे यहाँ माल पोत काले आगे बोर्ड टांगा है यह काम इतना पैसा लाई कहा जाता है और वहां को पैसा ना लागे लिखा है तो हमसे काहे 20,000 मांगत हो ये ऐसा उनसे भी तर्क कैसे कहा जाता है हमारी तुरंत वाला काम का है तो 3 महीना बुलावत हो हम एक कर्जन लिख के दियो कि हम 3 महीना बाद हुई तो हम चला जाए थे अगर तुम्हारे काम में 3 महीना बाद हुई लिख के दियो तो लिख के ना दी है पैसे की बात वहां करबो तो पैसा भी वो हिसाब से जो तुरंत आके उजूर करो तो ये जरूरी है का और सनोवर जैसे व्यक्ति के लिए जो थोड़ा सा गंवार व्यक्ति व्यक्ति जो कबो बाहर घर से बाहर ना निकल वाले महिला के लिए भी बहुत ज्यादा दुखद का है कि ये किस्म की समस्या ज्यादा आवत है का पढ़ा लिखा के लिए थोड़ा कम से कम बाहर आवे जाए से जानकारी हो जाता है और जो व्यक्ति कबो घर से बाहर भी नहीं निकल आया तो बोले ज्यादा कठिन होता है तो जो ना है आपके उजरी देवाला संबंधित निकाय से मतलब विषय वस्तु जो थोड़ा सा चेंज करके भी कहे चाहिए थे कैसे विषय वस्तु के आपके बात उठाए के साथ साथ हम उनके कोनो किस्म के यहाँ महिला हिंसा हुए घरेलू हिंसा हुए कोनो पारिवारिक कोनो उत्पीड़न हुए तो एक किस्म का कोनो समस्या हुए तो सबसे पहले आपके
एक तो सामाजिक स्तर हो समाधान हमारा, तो हमारे व्यक्तित्व हमारे का स्वभाव कि सबसे पहले आपके कोर्ट में अथवा अदालत में प्रारंभ जाए से पहले आप अपन वही गांव समाज में अपन समाधान का प्रयास करा जाए। और गांव समाज से अगर ना हो तो जैसे आपके पारिवारिक विवाद है तो रिश्तेदार से हुई होत है, जैसे मान लो आपके रिश्तेदार बुला चार रिश्तेदार बुला लेके बैठ लेकर छल फल कराएंगे, उससे समस्या समाधान ना हो, थोड़ा सा गंभीर प्रकृति का अगर विषय वस्तु है समाज से भी समाधान है, तत्काल आप नजीक का प्रहरी काले मुजरी जेल व्यवस्था है, नजीक का प्रहरी काले मुजरी आप दे जाते हैं वहाँ से आपके संतोषजनक प्रक्रिया अगर ना ही आगे बढ़ाते हैं तो उससे ऊपर के भी जिला प्रहरी मार सका जाते हैं, जैसे मतलब नजीक प्रहरी चौकी में हो गया तो इलाका में भी कह सका जाता है, अथवा आपका महिला सेल भी है, महिला के लिए सबसे बढ़िया हर इलाका प्रहरी काले में अक्सर महिला सेल भी है। आप अपान पद के विषय अपान मन के बात मर्द महराव विषय है ना तो कह पाओ दूसरे के सामने, तो हम महिला कर्मचारी रहती तो महिला पूरा बात सुनी है, वहाँ जाकर अपन पूरा बात कह दिया जाए, महिला तो हर बात सुनी है, उनके बाद उजरी ली है, उनके बलई हैं जिकई हैं छल फल कर रही हैं, वहाँ से आपके समस्या का समाधान ना आए तो जिले में पठाई है, जिला प्रहरी काले में पठाई है, वहाँ से भी छल फल कराया चला जाता है, तो तमाम निकाय है का, लेकिन हमें उनके जो अज्ञानता है जानकारी ना हो जाते हमारे डायरेक्ट अदालतीन जाकर जो रह गया तमाम निकाय है, मेन मिलाप के मार ये तो गाँव पालिका हो गया है, नगर पालिका है तो वह वाड़ा महिया जो मेल मिलाप समिति वो अलग है, तो वह निकाय में भी जाकर अपन सबसे पहले वहाँ भी प्रयास करा सकता जाता है। इस तमाम निकाय से भी अगर आपके संतोषजनक उपचार नहीं पाओगे तब आप अदालत भी आए कहीं आ सकते हैं। अब अदालत में आओगे लिए भी मान लो आपके पास पैसा ना है, गरीब है, असहाय है, तो वहाँ वैतनिक कानून व्यवसाय भी होते हैं, कानूनी सहायता परियोजना है, हम इनके बार एसोसिएशन के स्वयं भी एक संस्था है, ये माँ भी हमारे जो असहाय पक्ष है तो हमारे भी जो है वहाँ अपने संस्था के हिसाब से जो अपन फ्री सेवा करने के लिए भी हमारे कह सका जाता है, तो तमाम निकाय यहाँ से जाकर अपन सहयोग ले सका जाता है। ओकरे बाद में अब यही कुल समस्या का यहाँ मध्य नजर करत अब उजुरी के जो भदौ एक गते से जो मुल्क की फौजदारी जो संहिता एन 2074 आए हैं तब उजुरी के व्यवस्था पहले कह रहा कि अरे गुनासा आवत रहा प्रहरी उजुरी नहीं लेला उजुरी ने अक्सर लोग के गुनासा यही रहा था नहीं, तब उजुरी के व्यवस्था का है ओकरे बाद में पीड़ित लोग अक्सर का है कि उनके पास क्यों नहीं रहा है, पीड़ित के पास घर परिवार संपत्ति हर एक चीज रहते है, मनई भी उन्हीं के पास रह ले। लेकिन पीड़ित के पास न घर रही न संपत्ति रही न पैसा रही न का मनई भी उनके पर पथ से न रहे उनके पथ से बोल दे वाला यहाँ तक कि मनई भी नहीं मिला है, तो ये मन अब पहले खर्च ज्यादा हो जात रहा, खर्च की व्यवस्था का है नहीं कोने में राय की व्यवस्था कर देव है एक बारे में ही जानकारी करा देव जान। ठीक है धन्यवाद। पचहत्तर साल बाद पहले के कानून व्यवस्था दूसरा रहा तो ये तमाम कानून का